आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री स्टडी आई की आपका बहुत बहुत स्वागत है ये देखिए गजब की खबर बहुत ठंड है यार सबसे पहले तो इसीलिए मैं टोपा पहन के आता हूँ साथ ही साथ बाल भी उड़ा दिए मैंने अभी आएंगे बाल तो फिर टोपा हटा लूंगा लेकिन अगर ठंड रहेगी तो टोपा नहीं हटाऊंगा तो अमेरिका ने फर्स्ट एग्जीक्यूशन ऑफ अ फीमेल इनमेट इससे पहले उन्नीस में एक महिला को एग्जीक्यूट किया था

तो मंडे को लीसा मॉन्ट कुछ याद आ रहा है ना बस जहां से अमेरिका का सिविल मूवमेंट 1956 में मार्टिन किंग जूनियर ने शुरू कर दिया था बायोग्राफी मैंने कवर किया देखेगा तो लीसा मॉन्ट जिनको 12 जनवरी को एग्जीक्यूट किया जाना था इनको स्टे दे दिया गया है जज पैट्रिक हेलोन पेटिशन फाइल की गई थी जिसमें इन्होंने यह बोला था कि आई एम इनकॉम्पीटेंट टू बी एग्जीक्यूटेड मरना किसको पसंद है यार बट यहां पे पेटिशन फाइल करके इन्होंने ये बोला कि मैं मरने के लिए अभी तैयार हूं ही नहीं अब मरने के लिए कौन तैयार होता है ये मुझे समझ में नहीं आया तो अक्टूबर में आपको बता दू कि दो फेडरल एग्जीक्यूशन थे एक हो गया मर्डर के चार्जेस थे एक को कर दिया एक था ब्रैंडन बर्नाड ब्रैंडन बर्नार्ड ने दो मिनिस्टर्स को भगवान के पास पहुंचा दिया था अब वो वहां पे संसद चलाएंगे अपनी या जो भी करेंगे वहां पे पॉलिटिक्स करेंगे तो ब्रैंडन बर्नार्ड ने 1999 में जो मिलिट्री रिजर्वेशन हो रहा था उसकी वजह से दो मिनिस्टर्स को खत्म कर दिया उसको दस अभी दस दिसंबर मतलब पिछले ही महीने एग्जीक्यूट कर दिया दूसरा जो एग्जीक्यूशन था वो लीसा माउंट कैमरी का था इसको स्टे कर दिया है अभी थोड़ा सा वक्त इसको और दे दिया गया है स्टे ऑर्डर में देखिए क्या लिखा है मॉन्ट गोमरी की जो परसेप्शन है लीसा की जो परसेप्शन है इट इज डिस्टोर्टेड द गवर्नमेंट फॉर हर एग्जीक्यूशन गजब भारत में तो एनकाउंटर ही हो जाते हैं तो बिल्कुल तो साइड में जाता है सीधा गोली मारेंगे गोली मारे भेजे में तो ये भेजा छोर करता है सीधा यही होता है यहां पे अमेरिका में देखिए कि जो औरत है वो अभी समझ ही नहीं पा रही है कि हम उसको एग्जीक्यूट क्यों कर, कर रहे हैं वो अभी रियलिटी और फिक्शन में फर्क ही नहीं समझ पा रही है कि क्या सही है क्या गलत उसको ये नहीं पता है कि हम क्यों एग्जीक्यूट कर रहे हैं क्यों मार रहे हैं इसलिए हम उसको नहीं मारेंगे दैट्स वाई वी शुड रिस्पेक्ट अमेरिका यस ये बात बहुत जबरदस्त है इसमें कितना बड़ा स्टेटमेंट छुपा है समझ रहे हो ना तो इस एविडेंस के बेसिस पे कोर्ट ने ये कंक्लूड किया है कि फिलहाल मॉन्ट गोमरी विल बी एबल टू मेक अ थ्रेशोल्ड शोइंग ऑफ इंसेनिटी अ हियरिंग मतलब अभी कुछ समय के लिए भैया स्टे ऑर्डर जो है वो लग गया है साथ ही साथ मॉन्ट गैमरी की अटोर्नी ने रिपोर्ट किया है फॉलोइंग सिंटम्स कौन कौन से रिलीजियस डिल्यूजन हैल्यूसिनेशन डिस्टोर्टेड सेंस ऑफ रियालिटी स्लीप डिस्टर्बेंस एंड नाइटमेयर्स मतलब एक तरीके से इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है रिलीजियस डिल्यूजन आते हैं ठीक है धर्म में समझ में नहीं आता है धार्मिक अजीब गरीब तरीके से बिहेव करती हैं क्या पता कभी क्रिश्चियन हो जाती हूँ कभी हिंदू हो जाती हूँ इस तरीके से तो रिलीजियस डिलीजन की कौन से रिलीजन रिलीजन की हूं मैं उसका अर्थ क्या है जीते जागते सपने देखना अक्सर जो लोग चार पांच पैक लगा लेते हैं उनको बहुत आते हालूसिन, हैं वैसे बेटा बता दो एल्कोहल को ना पिया करो बर्बाद हो जाओगे अल्कोहल अभी बहुत जबरदस्त रिपोर्ट आई थी ज्यादा हो तो बहुत सारी से हेल्थ लाइन है वेब एमडी है इन सब पे पढ़ना अल्कोहल के कम से कम तीस साइड इफेक्ट होते हैं मतलब एक तरीके से आपकी पूरी बॉडी कचरा हो जाती है हर एक सिस्टम बर्बाद हो जाता है क्योंकि अल्कोहल की बात थी इसलिए मैंने बोला बिल्कुल दूर रहो जितना दूर हो सके एकदम शराब की अगर दुकान भी देख लो ना तो बिल्कुल दूर चले जाओ ठीक है दो किलोमीटर भाग जाओ लेकिन तो दूर रहो उससे तो हैलूसिनेचर मतलब दिन में सपने देखो तो वही मैंने पता चार पांच पैक लगा लेते हैं जो अक्सर दिन में सपने देखने लगते हैं ठीक है वो जो चाहते हैं उनको वो दिखता है तो ये इनके साथ हो रहा है Distorted sense of reality. मतलब ये में ही नहीं कर पा रही है कि क्या सही है क्या गलत है ये अक्सर होता है जब mental illness होती है जब होती तो इंसान जो है वो फर्क नहीं कर पाता है दिक्कत होती है ये स्लीप डिस्टरबेंस सोने में प्रॉब्लम्स और नाइट बुरे सपने आना एंड ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन ये सारे सिम्टम्स जो है वो मॉन्ट को है इसीलिए दिमागी हालत ठीक ना होने के कारण हम इनको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते अब आपको बता दूं कि 17 साल बाद तो अमेरिका ने फेडरल को रिज्यूम किया है कुछ पक्ष बोलते, है, देनी चाहिए, कुछ पक्ष बोलते है, नहीं देनी चाहिए तो अमेरिका में सत्रह साल बाद तो जुलाई दो हजार डोनाल्ड ट्रंप थे समय प्रेसिडेंट तो डोनाल्ड ट्रंप के टेनोअर में डिपार्टमेंट तो, ऑफ जस्टिस ने ये डायरेक्ट किया था फेडरल ब्यूरो कि जो पांच कैदी हैं जिनको मौत की सजा दी जाने वाली है अब बेटा उनका नंबर आ गया तो 2019 मतलब 17 2002 के बाद अब जाके तो किसी को डेथ सेंटेंस मिला है हालांकि डेथ सेंटेंस है भैया ये अपने सामने जब कोई भी इंसान अपनी मौत को देखता है तो मैं तो सोच भी नहीं सकता उसके ऊपर क्या भैया देखो मैं तो जिंदगी से बहुत प्यार करता हूँ बिकॉज जिंदगी बहुत खूबसूरत है ठीक है अब आप बोलेंगे सर हमारी जिंदगी में बहुत दुख है मेरी भी जिंदगी में भी दुख था भैया ऐसा कोई है ही नहीं जिसकी जिंदगी में दुख ना हो हर कोई परेशान रहता है हमने भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है भैया साइकिल से दूर दूर तक जाके कितने लोगों को पाँच पांच सौ रुपए के लिए पढ़ाया है वो तो सब करते हैं स्ट्रगल इज दी पार्ट ऑफ दी प्रोसेस तभी तो आप बहुत बड़े बनेंगे बट तो है ना परसेप्शन कैसा है आपका जिंदगी को देखने का मैं तो इसी से ही भगवान का शुक्रिया कहता हूँ कि कम से कम मेरे पास दो हाथ है मैं बोल पा रहा हूं मैं देख पा रहा हूँ कितने लोगों के पास तो ये भी नहीं होता तो खुश रहने के लिए बहुत सारे कारण हैं दुखी होने के लिए बहुत कम लेकिन अगर आप अपनी मौत को देखेंगे तो यार बहुत हालत खराब हो जाती है बहुत लोग बोलेंगे कि यार मैं जीना नहीं चाहती मैं सुसाइड करना चाहती हूँ या चाहता हूँ मुझे इस दुनिया छोड़ के जानी है कुछ लोग तो जबरदस्ती बोलते हैं दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए जिस दिन मौत सामने आती है ना सबसे पहले वही भागते हैं ठीक है थीके? तो मौत का सामना बड़ा टफ होता है एंड इट इज रियालिटी भगवद गीता में तो भैया यही दो चीज रियालिटी है आपका जन्म लेना और आपकी मौत यही दो चीज निश्चित है समय का पहिया ऐसे ही चलता है क्या कुछ ज्यादा ही फिलोसफिकल हो रहा हूँ आजकल मैं तो ब्यूरो ऑफ प्रिजन फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रेजेंट मतलब इतने समय बाद तो ये एग्जीक्यूशन रिज्यूम हुए ठीक है यहां पे एग्जीक्यूशन बिकॉज फेडरल डेथ रो इनमेट्स इन चैलेंज लीगल इंजेक्शन प्रोटोकॉल देखो मौत से बचने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं लीगल इंजेक्शन प्रोटोकॉल है आप बिल्कुल लॉयर्स का सहारा ले सकते हो अमेरिका में ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जो आपको आपकी सजा को डिले कर दे अब आप देखिए लीसा मोन्टगोमरी ने किया क्या था रूक आप जाएगी आपकी एक मूवी अभी आई थी वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड देखिए कि नहीं देखना उसको उसको देखने से पहले स्टोरी पढ़ना मतलब वो जो शेरा स्टोन नाम भूल गया मैं सेक्टर का सेम स्टोरी थी उसमें एंडिंग थोड़ी चेंज कर दी गई है वो पहले स्टोरी पढ़ना मूवी है किसके बारे में उसके बाद उस मूवी को देखना मजा आ जाएगी मेरे फेवरेट डायरेक्टर कॉन्टेंट टेरिनो की वो मूवी है तो लीसा मॉन्टगोमरी किया क्या था एक गर्भवती महिला को इन्होंने पकड़ा उनकी पूरी बॉडी को काट डाला उनके पेट को फाड़ के उनके बच्चे को निकाल लिया इट वॉज अ मेडिटेटेड मर्डर किडनैप स्कीम पहले से ही इन्होंने प्लान किया था यह मॉन्ट गैमरी अपने घर से सीधा मिसोरी गई जहां पे विक्टिम रहती थी आठ मंथ की थी, गर्भवती थी उनके पेट को फाड़ के उनका बच्चा निकाला वो मर गई स्टेनेट नाम था जो विक्टिम थी उसका नाम था स्टेनेट किचन नाइफ से इन्होंने किया था ब्रूटल एक्सट्रीमली ब्रूटल इमेजिन भी नहीं कर सकता कोई तभी तो ये सजा काट रही है और इसीलिए चार की घटना तो है ठीक है ना लिखा भी हुआ है 2004, तो उसके बाद तीन साल बाद भैया गिरफ्तार किया गया और ये बोल रही थी बच्चा मेरा है तो दिमागी हालत तो इनकी पहले से ही सही नहीं थी तो दो हजार सात में अमेरिका का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मसूरी

इंसानों की जिंदगी बदल जाती है ऐसे हादसों से तो एवरी अपील एवरी रिक्वेस्ट रिजेक्टेड ठीक है फिर इनका एग्जीक्यूशन बाय लीथल इंजेक्शन मतलब इंजेक्शन दे के मारना 8 दिसंबर 2020 हजार बीस को यह क्या कहते हैं कि ये है, था मतलब देखो तो डेथ सेंटेंस का मतलब ये नहीं कि फांसी देके मारना डेथ के अलग अलग तरीके हैं देशों के कहीं पे गोली मार दी जाती है अरब मुल्क में आप बात करें तो वहां पे तो गले गर्दनी काट दी जाती है अमेरिका में तो इंजेक्शन देके भी मार दिया जाता है तो यहां पे 8 दिसंबर को इनको लीथल इंजेक्शन देके मारना कितना खतरनाक होता होगा ना कि आपको पता है कि आप मरने वाले हो हालांकि ये तो अपने दिमाग दिमागी सेंसेस में ही नहीं इनकी तो दिमागी हालत लेकिन जिन लोगों को पता होता है कि वो मरने वाले और वो कुछ कर नहीं सकते मतलब तो इट इज वेरी ट्रोमेटिक एंड क्या कहते हैं कि माइंड बॉगलिंग इसको डिले किया गया क्योंकि इनकी अटोर्नी कोविड नाइनटीन हो गया अब दोस्तों अच्छा ये देख लीजिए लीथल इंजेक्शन जो है वो एक सेनेटिक का यूज करता है भाई जाहिर सी बात है पेंटो बारबिटोल जो कि ब्रेन एक्टिविटी को स्लो कर देता है ये बहुत ही मतलब पेनलेस मौत होती है नींद में मरना सबसे ज्यादा पेनलेस माना जाता है कहता ना कि अगर कुछ अच्छी मौतों की बात वैसे तो मौत तो अच्छी होती ही नहीं लेकिन सच्चाई है तो उसमें यह कि आप नींद में ही मर गए आपको पता भी नहीं चलता है तो उसमें यह एक है धीमे धीमे आपकी ब्रेन की एक्टिविटी स्लो होने लगती है मतलब आप सो गए ब्रेन की एक्टिविटी स्लो आप नींद में ही चल बसेंगे ठीक है तो एग्जीक्यूशन को भी यहाँ पे जितना ज्यादा हो सके पे बनाने की कोशिश की गई है ये ये वैसे सीवियरिटी ऑफ द क्राइम पे डिपेंड करता है देखो अगर आप अमेरिका में कुछ क्राइम कर रहे हो वैसे तो अमेरिका में डेथ दी जाती नहीं है तो या तो वो फेडरल कोर्ट्स में जाएगी या रीजनल लेवल पे जैसे भारत में हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का फेडरल कोर्ट है और हाई कोर्ट वहां के रीजनल लेवल है रीजनल कोर्ट है मतलब कहने का मतलब ये है कि अमेरिका में क्या होता है ना कि पचास जो वहां के राज्य है ना उनका अलग ही कानून है ठीक है अलग ही हिसाब से वो चलते हैं तो अमेरिका में या तो फेडरल कोर्ट्स में जाएगा या रीजनल लेवल पे जाएगा अब अमेरिका के जो 22 राज्य हैं जिसमें न्यूयॉर्क हवाई मिनेसोटा उसने डेथ पेनाल्टी को ही खत्म कर दिया है यानी कि इन 22 राज्यों में रीजनल लेवल पे तो आपको डेथ पेनाल्टी मिलेगी नहीं तो आप कहां पे जाओगे फेडरल लेवल फेडरल लेवल में अभी भी डेथ पेनाल्टी सारी स्टेट्स में दी जाती है तो अगर अभी बात करें तो बासठ इनमेट्स हैं विच आर ऑन फेडरल डेथ रो डेथ रो मतलब इनको इन बासठ लोगों को एग्जीक्यूट किया जाना है अब आप देख ही सकते हैं कि उन्नीस में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट स्टेट एंड फेडरल लेवल दोनों में ही इसको खत्म किया था लेकिन 1988 में इट वाज कांग्रेस और अगर फेडरल डेथ पेनाल्टी एक्ट ऑफ 1994 देखिए आपको एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है क्योंकि आज है 14 जनवरी मकर संक्रांति तो आप समझ ही सकते होंगे लोग आ रहे हैं काफी ज्यादा खिचड़ी मांगने आते हैं ना देना भी चाहिए उनको तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा पॉज कर जब भी कोई डिस्टर्बेंस होता है ना तो मैं लेक्चर पॉज कर देता हूँ तो यहां पे फेडरल अरे फेडरल डेथ पेनाल्टी एक्ट की बात करें 1994 तो इसमें वो क्राइम्स दिए हुए हैं लीड तो फेडरल और ये जो है, वो बढ़ते ही गए है। वो कौन से कानूनों में पेनाल्टी दी जाएगी, फेडरल लेवल पे ध्यान दीजिएगा रीजनल अलग है रीजनल में तो 22 राज्यों में पॉलिसी कर दी है लेकिन फेडरल लेवल पे सेंटर लेवल पे कौन कौन से क्राइम है जिसमें डेथ पेनाल्टी दी जाएगी ये 1972 से 1994 तक लगातार बढ़ गए हैं जुलाई 2020 में छियालीस साल के डैनियल लुइस को ये पहले फेडरल इन्वेट बने जिनको अमेरिका में 17 सालों बाद एग्जीक्यूट किया तो इसीलिए कई बार डिसेंड भी हो जाता है कि अमेरिकन कोर्ट को थोड़ा सा ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए और ऐसे एग्जीक्यूशन नहीं देने चाहिए लिस्ट ज्यादा लंबी है ये सारी चीजें हैं डोनाल्ड ट्रंप के टेनोअर में हुआ है आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप तो थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट हैं भी तो डोनाल्ड ट्रंप तो डेथ पेनाल्टी के फेवर में रहे ही हैं आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा बारह हजार सात सौ सब्सक्राइबर है मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप यही ज्वाइन करेगा कुछ रहिए पढ़ते से सिद्धांत अग्नि होती साइनिंग